तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूले में हमारा डेटा समराइजेशन, मतलब कि सम इफ काउंट इफ का फॉर्मूला जो है डेटा समराइजेशन, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसकी आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कल उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारे सामने डेटा आप दिख रहे हैं जिसमें सिटी है, सेल्स मैनेजर्स है, सेल्स पर्सन है, कैटेगरी है वगैरह वगैरह, लास्ट में हमारा क्वांटिटी है। तो अगर मुझे क्वांटिटी का सम चाहिए तो जनरली इसको क्लिक करके सम सम का फॉर्मूला लगा के सम लगा लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सेल्स मैनेजर उदय का टोटल क्वांटिटी सेल चाहिए, मतलब कि सम विद कंडीशंस। तो आप जानते हैं कि इफ जो है कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, सम इफ को मिलाकर फॉर्मूला बनाया गया है कि सम विद कंडीशन, सम इफ। तो सम इफ के तीन इनपुट है, क्राइटेरिया, रेंज, क्राइटेरिया। मतलब उदय का सम निकालना है तो उदय किस कॉलम में, किस रेंज में मैच करेंगे, उस रेंज को सिलेक्ट कर ले और क्राइटेरिया रेंज कहलाएगा। और फिर हमारा क्राइटेरिया मतलब क्या इसमें मैच करवाना है वो कहलाएगा। और उसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा आपका सम रेंज, कि आखिर सम किसको करना है। तो सम करना है हमें क्वांटिटी को, हमने क्वांटिटी को सेलेक्ट करके एंटर मार दिया तो आपके सामने उसका सम आ गया, मतलब कि उदय का सम इतना है। अब एक बार और दिखाओ कि मुझे रवि का टोटल करना है, तो मैं एक बार और सम इफ लगा बता रहा हूं कि सम इफ, और मुझे रेंज को सिलेक्ट किया कॉमा, मैं रवि को सिलेक्ट किया एंड क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया, तो ये आपका सम इफ आ गया। तो सम इफ इसके जरिए हमने किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे हमने सम निकाला, ये हमारा सम इफ कहलाता है। अब इसमें बात आती है कि मान लीजिए मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, लेकिन मुझे क्वांटिटी का ओवरऑल टोटल चाहिए जो कि सम ने निकाला है, लेकिन मुझे इसमें फिल्टर ए करना है कि जो ग्रेटर देन 50 वाले क्वांटिटी है उनका सम चाहिए। तो ये चीजें हम सम इफ से कर सकते हैं कि इक्वल सम इफ, हमने रेंज क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, तो क्राइटेरिया इस तरह से ग्रेटर देन 50 लिखा होना चाहिए। या फिर अगर हम सम इफ लगाए और सम इफ लगाते समय हम रेंज को सेलेक्ट करें और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैं ग्रेटर देन 50 लिख दूंगा, तो भी हमारा क्राइटेरिया होगा। या फिर अगर हमने मान लीजिए कि कहीं पे 50 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे सम इफ क्राइटेरिया और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और कॉनकेटेनेट के जरिए इसको कॉनकेट करके यहाँ पे हम अपना टोटल निकालेंगे। तो इस तरह से इसको कर सकते हो। इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाम में जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे रवि है और कहीं पे मान लीजिए कि रवि सिंह है, तो अगर नॉर्मल सम इफ लगाएंगे तो सिर्फ रवि को या रवि सिंह का ही टोटल निकालेगा, लेकिन मैं चाहता हूं अगर मैं यहाँ पे जैसे वी लुकअप में किया था, याद होगा आपको कि मैं यहाँ पे अगर रवि लिख दिया और दोनों तरफ मैंने स्टार लगा दिया तो मैं यहाँ पे सम इफ लगाऊंगा और इसमें क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज। एक चीज मैं बताना भूल गया ऊपर में कि आपने ऊपर देखा कि हमने तीन हमारे पास इनपुट है यहाँ पे, एक है हमारा रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया और तीसरा है सम रेंज। लेकिन इसमें आप देखेंगे, सॉरी इसमें कि इसमें जस्ट हमारे पास क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया है। देखिए क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक हो तो क्राइटेरिया रेंज अलग से देने की जरूरत नहीं होता है। क्लियर है सर? यस सर।
चलिए अगर तो इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं, अगर मैंने स्टार यहां पे स्टार लगाया और यहां पे मैं दे दिया रवि, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा एंड विथ रवि, मतलब कि लास्ट में रवि होना चाहिए। अगर मैंने रवि लिखा और स्टार लगा दिया तो स्टार्ट विथ रवि, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जाना था। उधर से क्वेश्चन मार्क, मानिए 3 क्वेश्चन मार्क से, इसमें 3 क्वेश्चन मार्क वाले का मुझे सम चाहिए, 3 ऐसे एनी करेक्टर, नॉट ए क्वेश्चन मार्क, 3 एनी करेक्टर का सम चाहिए हमें। तो यहां पे इक्वल लिखेंगे सम एफ, और हमारा हो जाता है रेंज, और इसमें हमने क्राइटेरिया ले लिया एंड कॉमा सम रेंज, हमारे पास क्वांटिटी आ जाता है, ये हमारा सम रेंज हो गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमारा 3 क्वेश्चन मार्क का सम आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है, मैं चाहता हूं कि उदय और ललिता का टोटल चाहिए, 2 कंडीशंस है, तो इसमें देखिए सम इफ में हमेशा हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो हम यूज करते हैं सम इफ्स। तो सम इफ्स को हम लेते हैं, और हमारा सबसे पहला है सम रेंज, जो सम रेंज है इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा है हमारा क्राइटेरिया 1 रेंज, पहले क्राइटेरिया कहाँ मैच करेगा, इससे क्राइटेरिया क्या है तो हमने सेलेक्ट कर लिया उदय। दूसरा क्राइटेरिया क्या है उसको सेलेक्ट किया, और दूसरी क्राइटेरिया क्या है हमने लॉलिता सेलेक्ट कर लिया, टोटल आ गया। 2 से ज्यादा क्राइटेरिया भी डाल सकते हैं, अगर इसमें ये जो बाकी जो कंसेप्ट मैंने बताया ये सारे कंसेप्ट, मान लीजिए ग्रेटर देन 50 चाहिए तो इसमें आप ग्रेटर देन 50 का भी यूज कर सकते हैं। जो मेथड आपने नॉर्मल सबमिट में लगाया कोई मेथड आप यहाँ लगा सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे हमने टोटल दिया सम इफ्स, और सम इफ्स में जो जिसका टोटल करना है कॉलम पहले सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आप क्राइटेरिया सम लेते चले जाइए, तो क्राइटेरिया रेंज अपना लेते चले जाइए। 255 क्राइटेरिया इसके अंदर में आप डाल सकते हैं, ये रहा। तो सम इफ और सम इफ्स, इसमें कोई डाउट है आपको? हेलो बोलिए, सुन रहा हूं। सर, इसके अंदर अगर अपन डेट अपना एक क्राइटेरिया हो जिसके अंदर अपन को 1 तारीख से 15 तारीख के बीच का अपन को चाहिए हो, सर। हाँ, तो ये ग्रेटर देन सिंबल ले सकते हैं, जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है ना, तो ले सकते हैं तो ग्रेटर देन इसमें एक ग्रेटर तारीख तो और लेस देन 31 तारीख। सर ये एक बार करके थोड़ा ये समझाइए। यहाँ दिख रहा है आपको सर, ये मेथड यहाँ पे 50 की जगह पे डेट होगा, दिखा जी आपको, सर, 50 की करने जगह पे डेट कंबाइन होगा। कर रखा है ना यहाँ पे एल जी 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 11 को 50 को, जी 50 की जगह पे आप डेट डाल दीजिए। हाँ, इसमें तो सर एक डेट हो गई मेरी भी, मोर देन। तो मोर देन के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन 50 है जी वैसे ग्रेटर देन पर्टिकुलर डेट होगा। सर, मेरे पास दोनों कंडीशन है, ग्रेटर देन और लेस देन। सर सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही आपको, देखिए यहाँ पे हम खाए तो डेट लिखेंगे इस फॉर्मेट में, 1 सितंबर इस तरह से, समझ गए, और लेस देन क्या होगा 30 सितंबर, समझ आ गया सर। जी सर, अब यहां पे लगेगा फॉर्मूला आपका सम इफ्स, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन में सम इफ्स लगता है, तो जी पहले सम इफ्स में लगा देना होगा, सम किसका करना है तो इसका करना है, क्राइटेरिया 1 कौन सा है तो ये है, क्राइटेरिया क्या है तो ये है, क्राइटेरिया 2 क्या है तो सेम रेंज है, क्राइटेरिया 2 क्या है तो में। लेकिन यही में सिस्टम में सिर्फ डेट होगा तो हम कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करना पड़ेगा हम, वही वही मैं समझना चाह रहा था उसके अंदर अपन एंड परसेंट का साइन लगा करके। हाँ इसमें समझ लो ये बात क्या है, सिंपल तो है, जैसा हमने यहाँ पे किया हुआ है क्या, जी सर,
हो जाएगा या फिर वो भी करके दिखा दूं? नहीं नहीं सर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सम इफ्स लगाएंगे। अब चलिए सम के बाद आगे की चीजों पे, हमारे पास काउंट के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक होता है काउंट जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, राइट, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। और दूसरा हमारे पास होता है काउंट ए जो कि नंबर अकाउंट दोनों को करेगा, मतलब एक सेल के अंदर का डेटा फिल है, चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, सबको काउंट कर लेगा, बट डेटा फिल होना चाहिए। इसी में हमारे पास अगला आता है काउंट ब्लैंक। अगर हमें ब्लैंक को काउंट करना है तो वो बताएगा कि कितने ऐसे सेल्स जो आपने सिलेक्टेड है जो कि ब्लैंक है, इसमें वैल्यू नहीं है, वो आपका पास आ जाएगा, जैसे कि टू आ गया। तो ये जो तीन बुक है हमारे, काउंट काउंट वगैरह, तो इन तीनों में आप जो है सिर्फ फिक्स क्राइटेरिया है, लेकिन मुझे अगर काउंट करना है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, सी उदय का कितना बार है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट का, काउंट इफ का। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट कर लिया उदय को, तो मुझे पता चल जाएगा कि उदय कितना बार है। ये बताता हूँ आप, काउंट इफ, और हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया ना उदय, और हमें उदय यहाँ दिख गया कि 445 है, या रवि 445 है। और काउंट इफ में भी ये सारे कंडीशन उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने सम इफ में किया है। और जैसे आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस है तो आप वहां पे काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले जैसे कि इसको कॉमा उदय, ऐसी क्राइटेरिया कंडीशन क्राइटेरिया कंडीशन आप देते चले जाए, आपका काउंट करके दे देगा। और काउंट इफ्स में भी ये सारे कंडीशन हम लगा सकते हैं जो कि हमने सम इफ्स में या काउंट इफ में दिया है। और यहाँ भी जैसे कि डेट आपका है तो ये भी, या इसको भी आप काउंट इफ्स के अंदर में रख सकते हैं कि काउंट इफ्स डेट हमने सेलेक्ट किया कॉमा इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर हम वापस डेट को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास काउंट आ जाएगा। तो काउंट इफ्स के अलावा अब यहाँ पे बात आती है एवरेज की। तो हमारे पास एवरेज का भी फॉर्मूला है, जैसे हमने सम निकाला था ऐसे हम यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज में आपका इसका एवरेज दे देगा, लेकिन एवरेज में एक और फॉर्मूला था एवरेज ई का। तो एवरेज ये भी सेम काम करता है, बट ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर कर लेता है, ये ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, सिंपल सा। लेकिन अगर कंडीशंस पे चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज इफ्स का, एवरेज इफ सॉरी एवरेज इफ, और एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स जस्ट लाइक सम इफ और सम इफ भी होता है। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट के लिए कंडीशन क्राइटेरिया कंडीशन एंड सम इफ, और उसमें भी ये सारा चीज आप इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, और जैसे मोर देन वन कंडीशंस है तो इस पे आप लगा सकते हैं फॉर्मूला एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, और एवरेज इफ जस्ट लाइक सम इफ होता है। तो पहले आप सम एवरेज रेंज को सिलेक्ट कर लें और फिर आप क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया थ्री फोर फाइव ऐसे ही आप चलते रहें, वो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला सिमिलर है।
लेकिन ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूजफुल है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। यूजफुल इसलिए है क्योंकि ऑफिशियल लाइफ में जो आप डेटा समराइजेशन जैसे फॉर्मूला के जरिए अगर डेटा को समराइज वगैरह करेंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, यस सर। तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए।